So, where are we going? प्राजक्ता वेट, हम एक साल से साथ में और मैं तुम्हारे बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता। क्यों ना हम ये जिंदगी ऐसे ही साथ में बिता दें? Will you marry me? Of course. प्राजक्ता वेट, ये क्या प्राजक्ता? तुझे क्या, मैं तुझसे प्यार करती हूँ? नफरत है मेरे को तेरे से, नफरत। लेकिन क्यों? क्यों? याद है 25 साल पहले तेरे बाप ने धोखे से मेरे बाप का सारा बिजनेस हड़प लिया था। तब से मेरे जिंदगी का एक ही मकसद है, तुम्हारी और तुम्हारे पूरे फैमिली की बर्बादी। इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ प्यार का नाटक किया। प्राजक्ता ये नहीं हो सकता। आई लव यू एंड यू लव मी टू। अबे तेरा प्यार गया तेल लेने। तेरे बाद में तेरे बाप को भी मारू। नाउ प्रिपेयर टू डाई। तुझे क्या लगता है मैं तेरे से बड़ा प्यार करता हूँ? अरे बढ़िया ही शेमलेस, मुझे पहले से ही पता था कि तेरा प्लान क्या है, इसलिए मैंने तेरे गन में से गोलियां निकाल ली थी। प्राजक्ता कितना टाइम? आ रही हूँ यार, 2 मिनट। और अब मरने को तू तैयार है? मुझे पहले से पता था कि तुम्हें पहले से पता था कि मेरा प्लान क्या है, इसलिए मैंने भी तुम्हारी गोलियां निकाल दी गन की। इतना टाइम? 2 मिनट यार। अब मरने के लिए तू रेडी? शूट। मुझे पहले से ही पता था कि तुझे पहले से ही पता है कि मुझे पहले से ही पता है कि तेरा प्लान क्या है, इसलिए मैंने तेरे आदमी को पहले ही अपनी साइड में कर लिया था। लगता है फाइनली तुम जीत गए। लेकिन इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है। मुझे पहले से पता था कि तुम्हें पहले से पता था कि मुझे पहले से पता था कि तुम्हें पहले से पता था कि मेरा प्लान क्या है, इसीलिए मैंने अपना एक स्नाइपर तुम्हें खत्म करने के लिए रेडी रखा है। ओ, नाइस। पर क्या तुम उस स्नाइपर की बात कर रही हो जिस स्नाइपर के ऊपर मेरा स्नाइपर पहले से निशाना लगा के बैठा हुआ है? अभी मरने को तू तैयार हो? वेट वेट वेट। पावर, आई एम प्राउड ऑफ यू। पापा आप? शाबाश बेटे, मैं तो तेरा टेस्ट ले रहा था, आज तुम मेरे इम्तिहान में पास हो गए। तुमने ये साबित कर दिया कि तुम मेरे ही बेटे हो। इतना जल्दी डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं है बुड्ढे। हम एक्चुअली मस्त हमें से हैं और मैं तुम्हारे बेटे की बॉडी को देने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। मैं तो मजाक कर रहा था। अरे मैं तो पावेल ही हूँ। तो मैं भी तो मजाक कर रही थी। मैं भी प्राजक्ता हूँ। प्राजक्ता हम कब तक ऐसे लड़ते रहेंगे? मैं बोलता हूँ क्यों ना हम ये खानदानी दुश्मनी भुला दें और एक हो जाएं। विल यू मैरी मी? यस।